आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 नियम से हम किसी भी बीमारी और किसी भी दर्द में आराम पा सकते हैं। तो आज हम इन 5 नियमों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। पहला, हमें अपने सारे फिंगर्स को टर्न एंड ट्विस्ट करना है। तो हमारे दोनों हाथ की 10 फिंगर्स में, हमें 10 की 10 फिंगर्स में सारे जॉइंट्स को, अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट, लोअर जॉइंट, अपर जॉइंट, लोअर जॉइंट, हमें अपने फिंगर्स के सारे जॉइंट्स को टर्न एंड ट्विस्ट करना है रेगुलरली, नियमित रूप से इसे प्रेशर देना है। आप इसे आगे से, साइड से, नेल्स के पीछे, बैक साइड में, चारों तरफ प्रेशर दें, नेल बट के चारों तरफ इसको टर्न एंड ट्विस्ट करें। साथ ही साथ सारे जॉइंट्स को रेगुलरली दिन में 3 से 4 बार आप इसे 4-4, 5-5 मिनट के लिए टर्न और ट्विस्ट करें। सो पहला नियम, हमें अपनी सारी फिंगर्स को टर्न एंड ट्विस्ट करना है। रूल नंबर 2, हमें अपने दोनों हाथ की रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। साथ ही साथ ये दोनों रिस्ट को हमें टर्न एंड ट्विस्ट करना है। ऐसे ग्रिप लेके आप इसे रेगुलरली आप टर्न एंड ट्विस्ट करें, देखिए आपको एक नई एनर्जी फील होगी पूरी बॉडी में। तो ये आप रेगुलरली इसको टर्न एंड ट्विस्ट करें और दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेगुलरली करें। रूल नंबर 3, हमें एक्यूप्रेशर रिंग लेना है और ये एक्यूप्रेशर रिंग लेके हमें अपनी सारी फिंगर्स पे इसको नियमित रूप से 2 से 3 बार 5-5, 10-10 मिनट के लिए सभी फिंगर्स पे चलाना है। तो जब हम ये एक्यूप्रेशर रिंग अपनी फिंगर्स पे चलाते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, बॉडी में एनर्जी का एक नया स्रोत पैदा करता है। साथ ही साथ ये बॉडी से सारे टॉक्सिन्स और डेड सेल्स को निकालने में भी हेल्पफुल होता है। तो आप एक्यूप्रेशर रिंग लें और ये एक्यूप्रेशर रिंग आप अपनी सभी फिंगर्स में नियमित रूप से 4 से 5 बार 5-5, 10-10 मिनट के लिए चलाएं। शुरुआत में, स्टार्टिंग में आप इसे 2-3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पर आप इसे 5-5 मिनट से 10-10 मिनट तक भी चला सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे एक्यूप्रेशर रिंग को यूज़ करेंगे तो आपने इसे यूज़ करना है उंगलियों में और उसके बाद इसे निकाल लेना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग इसे लगा के ऐसे बैठ जाते हैं, अपनी उंगली में फंसा के इस तरह से बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। तो ये नहीं करना है, आपने जब इसका इस्तेमाल करना है, इसे चलाना है, तभी इसको हाथ में रखना है, अदरवाइज इसे निकाल लेना है। इसे हमें उंगली पर लगा के ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये यहाँ प्रेशर बिल्डअप करता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इस एक्यूप्रेशर रिंग के बारे में, कि आप सभी ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगी। तो एक्यूप्रेशर रिंग आपके शहर में किसी भी एक्यूप्रेशर की शॉप पर आसानी से मिलेगी। उसके अलावा आप अमेज़न पे भी एक्यूप्रेशर रिंग आराम से ले सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह की, अलग अलग रेट में एक्यूप्रेशर रिंग्स अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कीजिए और मंगवाइए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें एक्यूप्रेशर रिंग बड़ी वाली लेनी है। ये बड़ी वाली एक एक्यूप्रेशर रिंग आती है जो आपके हाथ में इस तरह से आ जाएगी। तो ये आपको एक्यूप्रेशर रिंग इस तरह से लेनी है और ये अपने दोनों हाथ में आपको इस तरह से पीछे आपको रेगुलर चलानी है और आगे भी आप ऐसे चला सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको इसे रिस्ट में लगाना है और आप इसे रिस्ट पर दोनों तरफ आगे पीछे चारों तरफ इसको चलाएं और रेगुलरली इसका यूज़ करें। ये आप इस तरह से भी चला सकते हैं, बैक साइड में भी आप इसको ऐसे रब कर सकते हैं। तो ये बड़ी वाली एक्यूप्रेशर रिंग, ये आप अपने हाथ पे रेगुलर अगेन 3 से 4 बार चलाएं। ये भी आपको अमेज़न पे या एक्यूप्रेशर की शॉप में आसानी से मिल जाएगी। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, आप डेली 4 से 5 बार अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार आप क्लैपिंग्स करें और जितना हो सके आप ये लाउड क्लैपिंग्स, मैंने देखा कई लोगों को ऐसे क्लैपिंग करते हुए, तो ऐसे नहीं करनी है। आप क्लैपिंग जब करते हैं तो उसमें आवाज़ आनी चाहिए और इस तरह से आप क्लैपिंग करें। कोशिश करिए आप 100 बार से स्टार्ट करें, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स, जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए।
साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप क्लैपिंग नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो उस कंडीशन में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को बंद करें, ओपन करें, क्लोज करें, क्लोज करें, ओपन करें, इस तरह से आप इसे 400-500 बार भी कर सकते हैं। तो ये आप रेगुलरली करें, देखिए आप पाएंगे। शुरू में ये करने पर आप ध्यान रखिएगा, शुरू में क्लैपिंग करने पर और हाथों को इस तरह से 400-500 बार करने पर आपको हाथों में या उंगलियों में पेन आ सकता है। तो शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, आप 50 से स्टार्ट करें, आप 100 से स्टार्ट करें। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगे तो आप इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करें, तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा आ रही है। और ये 5 नियम अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप किसी भी बीमारी में और किसी भी तरह के दर्द को अपने आप घर बैठे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी को शेयर कीजिएगा, सबको ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमने और वीडियोस के लिंक दिए हैं जिसमें हमने डिजीज़ और चीज़ों के बारे में भी बताया है, आप उन्हें भी देखें, फॉलो करें, सभी को शेयर करें। मैं आपका प्रशामक अमित कार्की।